एमपी वाली शादी जो कि 7 दिनों तक चलती है, वैसी शादी करके राजश्री अभी अभी काम पर वापस आई हैं। राजश्री, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई हो आपकी शादी की और आपको नया शो मिलने की। थैंक यू सो मच। एकदम ऑरेंज ऑरेंज वाला सिंदूर लगा के बैठी हुई है क्या? मतलब ये शो वाला लुक है क्या? ये शो वाला लुक है और फुल चूड़ी एंड सिंदूर, तो मुझे एक तरीके से अच्छा भी लग रहा है। शायद मैं ये शो में नहीं आती तो डेली सिंदूर लगाती नहीं लगाती वो भी मुझे पता नहीं था, बट यहाँ आके मुझे डेली सिंदूर भरना भरना पड़ता है, वो पीछे तक, वो भी ऑरेंज बिंदी चूड़ियां, तो फुल सुहागन। तो चलिए, हम जो हमारे देश में जो इलैबोरेट वेडिंग कल्चर होता है, भारत का जो सबसे यहाँ की इलैबोरेट शादी मानी जाती है दुनिया में, उसकी बात हम जरूर करेंगे। और पहले राजश्री से जान लेते हैं उनकी पूरी शादी कैसी रही, क्या क्या हुआ। मैं एकदम बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि राजश्री कब मुंबई आए और मैं पूछूं। कोविड था और बहुत सारी चीजें पहले की तरह नहीं थी, वो फ्रीडम नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी, शॉपिंग बहुत जल्दबाजी में हुई, शादी बहुत जल्दी फिक्स हुई, तो बहुत सारी चिंताएं थी कि कैसे चीजें मैनेज हो पाएंगी। ऊपर से मेरा शूट चल रहा था मुंबई में, मेरी फैमिली यूपी में, तो पापा बहुत टेंशन में थे कि लड़की, पता, दुल्हन कैसे अकेले मुंबई से ट्रेवल करेगी खुद की शादी में, तो सब कुछ बहुत परेशानी में था। बट लकली भगवान की कृपा से शादी वाले दिन सब कुछ इतना अच्छे से हो गया, इतनी बढ़िया, मतलब जो सारे भी गेस्ट गए थे मुंबई से भी, सबने बहुत मजे किए, खुद मैंने दुल्हन होके बहुत मजे किए। दूल्हे के बारे में मुझे नहीं पता पर मैंने तो बहुत मस्ती की। और एक दिक्कत तो ये हो गई थी कि मेरा एक दिन पहले शूट था और मुझे फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग की पकड़नी थी, बट क्योंकि शूट में कुछ सीन्स बहुत जरूरी थे जो मुझे शूट करने थे, तो मेरी वो फ्लाइट कैंसिल होके मॉर्निंग से दोपहर की 1:30 की हो गई, तो मैं रात को ग्वालियर 12 बजे पहुंची हूँ अपनी शादी के एक दिन पहले, वो भी बिना मेहंदी। और 12 बजे मैंने मेहंदी लगानी शुरू की है, सुबह 3:30 बजे तक मैंने मेहंदी लगाई है और मुझे याद ही नहीं है कि मैं रात भर में मैं सो भी पाई हूँ। और 8 बजे से मैं मेकअप करने बैठ गई, 7:30 से, और मतलब भागती टूटती जो दुल्हन थी वो पता नहीं कैसे शादी में पहुंची। मतलब मेरे खुद के फ्रेंड्स मुझे शाम को बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हम आ गए तेरी शादी में और दुल्हन का ही पता नहीं है। आप यूपी से हैं राजश्री, आपके जो हस्बैंड है गौरव मुकेश जैन वो एमपी से हैं, तो ये जो दो स्टेट्स की शादी है थोड़ा काफी कुछ सिमिलैरिटी है, क्या कुछ रस्में सेम है, क्या कुछ अलग है, कुछ बताएंगे आप? मेरे ख्याल से सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही होती है, आपकी हल्दी और तेल चढ़ता है और फिर शादी। हाँ, शादी में थोड़ा अलग था क्योंकि हमारे यहाँ अग्नि जला के वो फेरे होते हैं, बट जैन धर्म में मुझे लगता है वो चीजें नहीं होती हैं, तो जो उनका ग्रंथ होता है उसमें भी वो, मतलब शायद वो बीच में रख के उसके फेरे होते हैं, तो वो भी, मतलब हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई, शायद पंडित जी को इन लोग, गौरव ने पक्का घूस दे के रखा होगा। मतलब मैं गई, मैं बैठी और जल्दी जल्दी पंडित जी ने मंत्र पढ़े, इतना जल्दी तो मेरे ख्याल से शूट में भी नहीं होता है, और क्योंकि शायद डेलाइट जा रही थी और शाम का फंक्शन भी होना था, तो कब ऐसे फटाक से शादी हो गई, तुरंत कन्यादान हुआ, सिंदूर भर गया, मंगलसूत्र और बस शादी हो गई। लेकिन बहुत कुछ मिलता जुलता था दोनों फैमिली में, मतलब मुझे कुछ बहुत ऐसा अलग नहीं लगा, सब सेम ही था। ओके, सेम ही था। और जैसे कि होता है, आपने बोला कि जल्दी जल्दी में शादी, तो बहुत जल्दी में हुई ऑब्वियसली क्योंकि आप शूट कर रही थी, लेकिन वो जो प्रेपरेशन होता है शादी के एक महीने तक, वो तो जरूर आप क्योंकि मुंबई शहर में थी तो उसका आपको शायद मौका मिला होगा, आपका जो वेडिंग का मौका मिला, और उसका मौका मिला और मैंने बहुत अच्छे से किया। मेरे साथ, मैं लकी इसके लिए थी क्योंकि गौरव भी मुंबई में थे और मैं भी मुंबई में थी, तो मैंने सारी शॉपिंग तो अपनी दिल्ली से की गौरव की फैमिली के साथ। मेरी फैमिली नहीं आ पाई थी क्योंकि मैंने मना कर दिया था कोविड की वजह से, मुझे लग रहा था जितने कम लोग रहेंगे शॉपिंग में उतना अच्छा है, और बाकी की शॉपिंग मैंने मुंबई से की, तो वो मैंने गौरव के साथ की, तो मुझे शॉपिंग में सबसे ज्यादा मजा आया, बहुत मजा आया। तो मैंने देखा आपका लहंगा जो है, जो मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स करती, वो रेड कलर का ही था, लेकिन आजकल लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी हो गए हैं कि रेड से थोड़ा लाल। मैंने सोचा था कि मैं भी कुछ बहुत लाइट कलर, लाइट बेबी पिंक या कुछ वैसा, बट सच बताऊं जब मैंने लहंगा ट्रायल करके देखे ना,
तो मेरे ऊपर ही जो कोरल रेड जितना अच्छा लग रहा था ना, उतना कोई लहंगा अच्छा लगा नहीं। आप इतने देशों में घूमी है राजश्री, अपने देश की शादी जो होती है, यहाँ की जो खास करके शादी होती है हमारे भारत की, और खासकर जो नॉर्थ की शादी होती है जो इतना इतने सारे रस्म होते हैं, क्या लगता है आपको वो एक, कई लोग कहते हैं अरे यार बड़ा टायरिंग होता है, बड़ा बहुत टायरिंग नहीं, मुझे ऐसा होता लगता है कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम होता है, और कोविड की वजह से मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया, वरना शादी का हमने प्लान किया था कि 2 दिन का फंक्शन रहेगा, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई और बहुत सारी चीजें हो गई। पर मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा मुझे बड़ा मजा आता है शादियों में, जितना मैं देखती हूँ 6 दिन पहले से चल रही होती हैं, और वैसे भी आजकल लोग इतने बिजी हैं कि आपस में मिलना उन्होंने कम कर दिया है, बंद ही कर दिया है, तो कम से कम शादी के बहाने सब इकट्ठे होते हैं, वो मस्ती चलती है, कोई काम की टेंशन नहीं, कहीं जाने की टेंशन नहीं, और वो जो डांस होता है डेली, ढोलक बजती है और मस्ती होती है कजिन्स के, मतलब मुझे लगता है ये बेस्ट होता है इंडिया में शादियां, तो मतलब बेस्ट होती है, मुझे बहुत पसंद शादियां। कई लोग उसे फिजूल खर्ची भी बताते हैं, पर्सनली तो मुझे नहीं लगता फिजूल खर्ची, क्योंकि वंस इन अ, मतलब हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोग एक ही बार शादी करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि फिजूल खर्ची तो है, पर फिर जब खुद की शादी की मेरी बारी आई ना, पहले मैंने बड़ा सोचा था कि नहीं शादी में खर्च करना बेवकूफी होती है, क्यों इतना खर्च करते हैं ये वो, लेकिन जब खुद की शादी की बारी आई ना, तो अंदर से जो सारे अरमान निकले ना, नहीं ये भी करना है, नहीं वो भी करना है, अरे ये तो होगा ही, तो मुझे फिर मुझे लगा कि फिजूल खर्ची तो नहीं होती है, मजा आता है। अब फिर वो आपकी वो लाइफ टाइम मेमोरी होती है एक्चुअली की जो, मतलब वो ऐसा टाइम होता है जो आप हर कोई जीना चाहता है, और लाइफ टाइम जब उसे आप याद करते हो, तो मेरे ख्याल से एक अलग टाइप की खुशी फील होती है कि अच्छी थी। ओके राजश्री, और हमने देखा कि शादी के बाद आपने अच्छा कुछ दिन स्पेंड किया अपने ससुराल में एंड गौरव, आप दोनों शायद। नहीं, मैं नहीं कर पाई, हम सिर्फ 2 दिन के लिए रुके क्योंकि शूट यहाँ पे था, तो हम दोनों को वापस आना पड़ा, बट 2 दिन में तो मेरे ख्याल से मुझे अब तक का सबसे अच्छा टाइम बीता मेरा, क्योंकि बहुत सारी रस्में थी और बहुत सारा कैश मिल रहा था। बड़ा मजा आता है ना, इतने पैसे इकट्ठे कर लो। मतलब बहुत सारी रस्में थी कि पैर छूने में तो भी पैसे मिल रहे हैं, फिर खाना बना के, खाना एक्चुअली कुछ बनाया भी नहीं, सिर्फ हाथ लगाया उस पे भी पैसे मिल रहे थे, तो 2 दिन तो बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ वो देखा मैंने आपका, वो पहली रसोई का जो आपने वीडियो डाला था वो देखा मैंने, लेकिन हाथ लगाया तो किस चीज, मतलब क्या बन रहा था जो कि हाथ लगाया? यहाँ पे कुछ मीठा बनाना था, तो मालपुए बनाए जाते हैं, तो वो बनाना था, तो मैंने ऐसे चम्मच से बस ऐसे एक डाल दिया था और खिलाया सबको, मैंने ही था घर के सारे बड़ों को। और अच्छी बात ये है कि गौरव की ज्वाइंट फैमिली है, तो उसकी पूरी फैमिली में कुछ 45-46 लोग हैं, तो मतलब मुझे और ज्यादा मजा आ रहा था। तो कैसा लगा यूपी की लड़की जाके ग्वालियर की बहू बनी, यू नो थोड़ा स्लाइटली यू नो जैन कल्चर में ऐसे तो सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है तो क्या? थोड़ा सा तो है अलग, बट क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो मेरे यहाँ भी वैसा नॉनवेज नहीं खाते हैं, और मेरे यहाँ भी लहसुन प्याज बहुत, मतलब 2 ही 3 दिन है जो हमारे यहाँ अलाउड है खाना, बाकी थर्सडे को आप खा नहीं सकते, ट्यूसडे को आप खा नहीं सकते, मंडे को भी कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो मुझे ना कुछ वैसा बहुत अलग नहीं लगा, और शायद अभी मैंने ज्यादा टाइम नहीं बिताया है, जब वहां रहूंगी बिताऊंगी तो शायद पता चलेगा कि कितना अलग। चलिए बहुत सारी बातें की हमने आपकी शादी के बारे में, ये बताइए मुझे कि अभी अभी जो ये शो शुरू हुआ है नमक इश्क का, उसमें जो आपका कैरेक्टर है, और आई थिंक ये किस पृष्ठभूमि पे बना है, कौन से स्टेट की पृष्ठभूमि पे बना है ये? ये बिहार की स्टोरी है, तो इसीलिए मैंने ये सिंदूर पहना हुआ है, और लैंग्वेज वहां की नहीं रखी है, लेकिन थोड़ा टच दिया है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मेरे लिए अवधी बहुत आसान थी, तो मैंने लोगों से थोड़ा सिफारिश लगाई, और मैंने कहा कि मैं अपनी अवधी बोल लूंगी तो चलेगा क्या, तो सबने बोला कि ठीक है, तो बिहार की स्टोरी है और मेरा कैरेक्टर ये ना, हमसे काहे नहीं पूछी आप। तो कैसा लग रहा है आपको सुहानी में भी, आपकी आई थिंक उत्तर प्रदेश की स्टोरी थी सुहानी भी, शायद वही की स्टोरी अच्छा लग रहा है ये, थोड़ा सा मुझे सुहानी से तो नो डाउट बहुत ज्यादा अलग है, और मुझे यहाँ पे निशान भी दिया हुआ है,
ये इस निशान की क्या कहानी है जो आपके गाल पे लगा इस है? निशान की कहानी कुछ तो है कि मैं बचपन में शायद किसी को बचाने जाती हूँ और आग से खुद जल जाती हूँ, वो इस निशान की वजह से शायद फ्यूचर में जाके मेरे और मेरे पति के बीच कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ ऐसा होगा, तो इस निशान की यही कहानी है जो अभी आगे खुलेगी। ओके चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको, एक बार फिर से बधाई, और थैंक यू। आप खूब, जो आप कह रही है कि ग्वालियर जाके आप 10-15-20 दिन रुकना चाहती है, तो आई होप कि आपको वो वक्त जल्दी मिले और आपका शो भी काफी अच्छा परफॉर्म करे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।